बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन, आगामी चुनावों को लेकर महामंथन। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 1 बजे पंजाब के होशियारपुर में राहुल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बर्फ की सफेद चादर में ढका जम्मू कश्मीर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, लिखा डैशिंग थ्रू द स्नो। जयपुर के ओटीएस में गहलोत सरकार के चिंतन शिविर का दूसरा दिन, घोषणा पत्र और बजट घोषणा क्रियान्वयन पर विचार विमर्श। आज से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, नए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक, पीसीसी चीफ रुटास्पा देंगे टास्क। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का मामला, एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की कोर्ट में पेशी। मरुधरा में छूटी धूजनी, 5 जगहों पर पारा माइनस में, 19 जनवरी से थमेगी शीतलहर। 3 दिन तक जयपुर प्रवास पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 27-29 जनवरी तक जयपुर प्रवास पर रहेंगे। बाड़मेर में दिनदहाड़े कलेक्ट्रेट के सामने युवक का अपहरण, बुलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सिरोही में गोदाम में अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी, दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग को नियंत्रण। राजसमंद की गजपुर और समीचा पीएचसी में हंगामा, सब सेंटर पर टीकाकरण नहीं होने पर महिलाओं ने किया हंगामा। जोधपुर के फलौदी में शराब के ठेके से 4 लाख रुपए की चोरी, गले से चुराए 4 लाख रुपए, पुलिस करेगी मामले की जांच। नागौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी को गुजरात से किया दस्तयाब। नागौर के लाडू में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों पर किया हाथ साफ। ब्यावर के पातलिया गांव में 13 फीट लंबा अजगर निकले से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी ने किया रेस्क्यू। नागौर पुलिस ने वाइन शॉप पर लूट की वारदात का किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयपुर विश्वास भवन में रैली निकाल रहे चिकित्सकों को पुलिस ने रोका, इस दौरान पुलिस और चिकित्सकों के बीच हुई हल्की नोकझोंक। उदयपुर के चितौड़िया में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने की मामले की तहकीकात शुरू। राज्य मानवाधिकार आयोग जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास भरतपुर के दौरे पर, कुम्हेन में इंदिरा रसोई का किया औचक निरीक्षण। जयपुर में पुलिस मुख्यालय में फोटो गैलरी का शुभारंभ, डीजीपी उमेश मिश्रा ने किया शुभारंभ। कोटा विश्वविद्यालय की टीम ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए किया क्वालिफायर, सेमीफाइनल में जालंधर की टीम को 2-1 से हराया। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज में सड़क सुरक्षा सप्ताह में कार्यशाला का आयोजन किया गया, कार्यशाला में सांसद सीपी जोशी ने युवाओं को संबोधित किया। जोधपुर में 32 साल के बाद रणजी मैच, आज आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास लाए रहा। फतेहपुर शेखावाटी में पारा लगातार 4वें दिन जमाव बिंदु से नीचे, न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। जिलों के शहर उदयपुर में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, बेवल छप्पन समेत पूरे ग्रामीण इलाकों में रबी की फसल पर जमी बर्फ। दौसा के महवा में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर छाई पाले पड़ने की वजह से सफेद बर्फ। बैंकिंग स्टॉक्स में मुनाफा वसूली के चलते गिरकर बंद हुआ बाजार, जबकि आईटी शेयरों में जबरदस्त खरीदारी नजर आई। जैसलमेर में सोनू सूद का हुआ भव्य स्वागत, उनके स्वागत में उनके नाम चिल्लाते हुए नजर आए लोग। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा बोली, राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर चिंतित थे अमिताभ बच्चन, रोज किया करते थे कॉल। सिंगर और रैपर हनी सिंह ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में की खुलकर बात, बोले शाहरुख खान ने इलाज के लिए किया सपोर्ट।